हाय एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं साटे की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको कई जगह किसी को पता नहीं है, इसको घास फूस के तौर पे ही मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही जड़ी बूटी के काम आता है। ये जिसके शरीर में पथरी होती है, शरीर में सूजन होता है और जैसे गुर्दे ख़राब होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसकी सब्ज़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बारिश के मौसम में और ट्यूबवेल के पास, नहरों के पास ज़्यादा इस काफ़ी मात्रा में ये पाया जाता है, ये ज़मीन पे फैले रहता है। तो चलिए इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह का होता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है। इसकी पत्तियाँ गोल होती है, अंडेकार की होती है और थोड़े से पत्ते इसके मोटे होते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमें इसको किस तरह से कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें आगे से ये कट कर लेना है। जैसे इसकी ये डंठल अगर कच्चे हैं तो हमें इसको डंठल को भी निकाल लेना है, नहीं तो इसकी पत्तियां हमें अलग करनी है। तो ये देखिए, आगे से हम ऐसे इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे इसको हम पत्तियां निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो मैं आपको पहले सारी मैं कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें सभी को ऐसे चूंट लेते हैं हमें इसको। तो ये देखिए, मैंने चूंट लिया है, ये इस तरह से कुछ बन जाता है। अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये इस तरह के डंठल हमने अलग कर दिए हैं, ये मोटे हैं तो इसको हम अलग कर दिए हैं। आपको मैं कट करके दिखाती हूँ कि हमें इसको किस तरह से कट करना है। देखिए, ये पत्तियाँ हमने इकट्ठी कर ली है। जैसे हम मेथी कट करते हैं, मेथी की पत्तियाँ कट करते, वैसे हमें इसी को कट कर लेना है। एकदम बारीक हमें कट करना है। तो इसको हमने एक बार ऐसे साफ़ कर लिया है, उसके बाद हम फिर से इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको कट कर लिया है, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम इसको अच्छे साफ पानी से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ज़मीन में फैला रहता है, इसमें मिट्टी ज़्यादा ही होती है, काफ़ी मात्रा में मिट्टी लगी रहती है। तो इसको हम 3-4 बार अच्छे से साफ़ पानी से इसको साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे इसको ऐसे मसल मसल के, आपको दिख ही रहा होगा। और ऐसे धो के इसको निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जिसके लिए ये गुर्दे मजबूत करता है, जिसको पथरी रहती है, पथरी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, शरीर में जैसे सूजन आता है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, मैंने धो ली है। अभी पतीले में थोड़ा पानी डाल के इसको हम साटे को डाल देंगे और हम गैस पर रख देंगे, इसको बॉईल करेंगे। जैसे जिस तरह हम सरसों का साग बनाते हैं, वैसे ही हमें इसको बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा उबाल लेंगे इसको। तो ये देखिए, हमने उबाल लिया है, 2-3 मिनट में उबल के रेडी हो जाता है। देखिए, पत्ती एकदम गल चुकी है। अभी इसको ठंडा होने के बाद इसको हम निचोड़ लेंगे। इस तरह से हमें इसको निचोड़ लेना, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ऐसे ही सारे हम इसको पानी निकाल देंगे, ऐसे दबा दबा के दोनों हाथों से। और इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बारिश के मौसम में इसकी ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको आप सब्ज़ी के तौर पे खा सकते हो, बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल दिया। अभी तड़का लगाएंगे तो थोड़ा इसमें हम जीरा डाल देंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। और इसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे कच्ची। अभी मैं आपको मसाला बताती हूँ। मसाला एक साथ मैंने इकट्ठा कर लिया था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। और पानी मिक्स करके इसमें मैंने ऑयल में डाल दिया है, तो ये तड़का लगा दिया है। तो इस तरह अगर आप तड़का लगाओगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है इसमें, जिससे क्या कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, मसाले में उबाल आ चुका है, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा इसमें हम नमक डालेंगे, नमक हम 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बताया है मैंने, एकदम गांव के स्टाइल में बताया है। ये बारिश के मौसम में बहुत आसानी से मिल जाता है, राजस्थान में बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, उबाल आ गया मसाले में। तो अभी ये साटा हमने जो निचोड़ के रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह हमें बिछोड़ देंगे इसमें, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे करके हम सारा इस साटा इसमें डाल देंगे। इसको कई जगह विष खपरा भी बोलते हैं, जो संस्कृत में इसको विष खपरा के नाम से जानते हैं, जो शरीर में जो भी विष का खचरा होता है बाहर निकल जाता है।
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बनती है ये सब्ज़ी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको भी पथरी का प्रॉब्लम हो, शरीर में सूजन की प्रॉब्लम हो और टॉयलेट आने में भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है ये सब्ज़ी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें कूटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। मैंने दरदरा कूट के रखा था लहसुन, ये थोड़ा सा उबाल आ गया है तो इसमें अभी लहसुन भी डाल दिया है मैंने। लहसुन डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो लहसुन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा ये सब्ज़ी और लहसुन अच्छे से पक जाएगा इसमें। तो देखिए अच्छे से हमने इसको फेंट दिया है चम्मच से, अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे क्या होगा थोड़ा सा ये ग्रेवी सी हो जाएगी और पक भी जाएगा आसानी से मसाला। तो इसको 2-3 मिनट के करीब अच्छे से पका लेते हैं। मैंने गैस को मीडियम रखा है। तो ये देखिए बीच बीच में हमें चम्मच को चलाते रहना है। तो ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। तड़का लगाने के बाद हमें इसको 2-3 मिनट मसाले में अच्छे से पका लिया है और गैस को मैंने अभी बंद कर दिया। तो मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी, और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।